पर दोस्तों स्वागत है हमारी YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जैसा कि आप थंबनेल पे देख चुके होंगे कि वो जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सही कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे CPU है और ये जो प्रॉब्लम है इसी कंप्यूटर में है, इसको कैसे हम सही करेंगे आज आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो वीडियो पे आप कंप्लीट बने रहिएगा क्योंकि इसमें कुछ आपको पॉइंट बहुत नोट करना है, तभी आप घर बैठे इस प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते करना क्या है। पे हम CPU को करते हैं ऑन, तो यहाँ से हम प्रेस करते हैं और यहाँ पे दोस्तों हमने CPU को ऑन कर दिया। अब ये जो एरर है आपको दिखाते हैं क्या एरर है, कैसे इसको सही कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है और इसमें कुछ मैसेज दे रहे हैं और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रहे हैं कि बैटरी वगैरह का इशू। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, मेन यहाँ पे हम यह फोन पहले प्रेस करते हैं, उसके बाद जो आगे का प्रॉब्लम है उसको हम चेक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे हमने यह फोन प्रेस किया, अब यहाँ पे देखिए फिर से एक बार बूट कर रहा है। एक बार और हम प्रेस करेंगे यह फोन, उसके बाद यहाँ पे अब देखते हैं एरर आता क्या है। तो अभी यहाँ पे कुछ फाइलें हमारी लोड हो रही हैं, लोड होने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों दे रहा है नॉट सिस्टम डिस्क और डिस्क एरर रिप्लेस एंड स्ट्राइक एनी की विन रेडी। अगर दोस्तों इस तरीके से आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, सारा आपको डिटेल में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों ऐसे प्रॉब्लम को सही करने के लिए क्या करना होगा आपको उसके बारे में बताते हैं, और साथ में आपको एक और एरर के बारे में दिखाते हैं। थोड़ा सा हम वीडियो को रोकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा प्रॉब्लम उसको हम दिखाते हैं आपको, अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही तब आपको क्या करना है। फिर से हम ये फोन प्रेस करते हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा प्रॉब्लम इसको हम दिखाते हैं, यहाँ पे फिर से वही सेम प्रोसेस हो रहा है। अब दोनों में डिफरेंट है क्या इसके बारे में हम दिखाते हैं। देखिए दोस्तों फिर से हमने किया तो सेम यही प्रॉब्लम आ रही है, और यहाँ पे हमने दो थंबनेल लगाया, दोनों में प्रॉब्लम वही हो सकती है, आप उसको चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों प्रॉब्लम होती क्या, सबसे पहले आपको इस सिचुएशन में आपको चेक करना है अपने हार्ड डिस्क के जो केबल लगी हैं या हार्ड डिस्क लगी हैं उसमें जो केबल लगी है वो प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड नहीं होता है या हिल जाता है, कुछ इस तरीके से इशू होती हैं, इसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम आपको दिखने को मिलती हैं। अब इसको कैसे सही कर सकते हैं, सही करने के लिए आपको CPU को ओपन करना होगा, और ओपन करने के बाद आपका जहाँ पे भी हार्ड डिस्क लगी है उसको सबसे पहले आपको ओपन करना होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हमारे पास हार्ड डिस्क लगी है और यहाँ पे देख सकते हैं ये हार्ड डिस्क तो लगी है बट इसका केबल दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो केबल है ये निकला हुआ है और यहाँ पे देखिए है। अब इसको हम दोस्तों क्या करेंगे, लगाएंगे और लगाने के बाद इसको हम चेक करेंगे कि ये सही हुआ या नहीं। देखिए यहाँ पे साटा भी केबल यहाँ पे निकला हुआ है, इसके वजह से प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। अब दोस्तों इसको चलिए हम लगाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले लगाने से पहले आपको सिस्टम को कर देना होगा बंद। तो यहाँ पे दोस्तों हम पावर निकाल देते हैं, यहाँ पे हमने बंद कर दिया। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे हम साटा लगा कर दिखाते हैं, यहाँ पे जो साटा का पोर्ट है यहाँ पे दोस्तों हमने साटा को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो पावर केबल होता है इसमें आप थोड़ा सा फूंक सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने थोड़ा सा सफाई कर दिया, उसके बाद इसको हम क्या करते हैं फिर से यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे हम लगा के उसके बाद आपको दिखाते हैं करना क्या है। तो दोस्तों आपको बहुत ध्यान से रखना है क्योंकि इसमें पोर्ट जो होता है टूट भी सकता है, ये चीज आपको बहुत ध्यान से करना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा लग गया, अब इसको हम कैबिनेट को इस तरीके से बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे जो हमारा CPU का पावर केबल है इसको यहाँ से हम लगाते हैं। उसके बाद लगाने के बाद हम दोस्तों इसको करते हैं ऑन। तो यहाँ पे हमने लगा दिया, अब CPU को यहाँ से हम करते हैं ऑन। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने ऑन कर दिया। अब ये देखते हैं जो प्रॉब्लम आ रही है क्या वो सही हो गई, क्या हमारा विंडो प्रॉपर तरीके से ऑन हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम कुछ टाइम यहाँ पे वेट करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम वेट करते हैं, और जो आप थंबनेल पे दूसरे साइड देख रहे हैं यही प्रॉब्लम होती है। अगर केबल वगैरह आपका ढीला रहता है तब आप इसको चेंज कर सकते हैं, या उसको सही से एक बार सफाई करके आप लगा देंगे तो आपका 100% सही हो जाएगा। तो ये फोन प्रेस करते हैं यहाँ पे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कीबोर्ड प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे कीबोर्ड को थोड़ा से चेक कर उसके बाद ये फोन प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये फोन प्रेस करते हैं, अब यहाँ पे हमने ये फोन प्रेस कर दिया। अब एक बार यहाँ पे देखते हैं हमारा जो विंडो है क्या ऑन हो रहा है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अगर आपका विंडो ऑन हो जाएगा तो यानी ये प्रॉपर तरीके से आपका जो भी प्रॉब्लम था बिल्कुल सही हो गया है। और ऐसे आप कर सकते हैं, फिर से यहाँ पे यह फोन प्रेस करते हैं दोस्तों, यह फोन हमने प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए हमारा जो विंडो है
प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ऑन हो गया है। तो ऐसे आप प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तब, क्योंकि आपको ऐसे वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन प्रॉपर तरीका नहीं पता होता कि कैसे इसको सही कर सकते हैं। बहुत लोग केबल चेंज करवा देते हैं या उसमें बताते हैं हार्ड डिस्क खराब होता ही है, तो ये सारा आपको प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि आप पहले उसको जो केबल है उसको ढीला है या मतलब जैसे लगा हो आप उसको पहले चेक करिए, तभी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा ये सही हो गया बिल्कुल इजी तरीके से, तो ऐसे प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद।